हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पर्श स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम 1 सितंबर 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है दोस्तों कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया दोस्तों, तो ये केरल में खोला गया है। केरल में पहला व्यापार केंद्र खोला गया है महिलाओं के लिए। बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल का मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनारायी विजयन। पिनारायी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है, तो इतना याद रखिएगा। पंजाब के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि पौसे पंजाब और पौसे पूर्व कर्फ्यू। पूर्व कर्फ्यू सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, किस राज्य में, तो ये पंजाब में लगाया गया था। राजस्थान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान स्थान पर क्या लगता है, लॉकडाउन। तो सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ लगा था कोरोना वायरस के कारण, तो ये लगा था राजस्थान में। राजस्थान में हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है, इंदिरा रसोई योजना की। तो इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इंदिरा में क्या रहे आ रहा है, तो राज से राजस्थान आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है दोस्तों, तो ये किया है CISF ने। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने इसको विकसित किया है, जो कि जो पुराने कर्मचारी हैं CISF के, तो उनके लिए ये ऐप शुरू किया गया है। बात कर देना दोस्तों कि CISF के महानिदेशक कौन है, तो राजेश रंजन CISF के महानिदेशक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों CISF की, तो CISF की स्थापना 1969 में हुई थी, तो याद रखिएगा। BSF के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि BSF की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। RBI की बात करते हैं दोस्तों, तो RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है दोस्तों, जो कि 25 नंबर के हैं। SBI की बात करते हैं कि SBI के अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को किसने शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है दोस्तों, तो इस योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है दोस्तों। बात करते हैं कि इस योजना के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, तो इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो 19 खिलाड़ी कौन कौन है दोस्तों, तो 19 खिलाड़ी में 2-3 नाम याद रखिएगा कि भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, ठीक ना, ये मेन खिलाड़ी हैं। और भी बाद में खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। गोवा के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो इतना याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान चलाया गया है, सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और इंतजार आपका अभियान भी चलाया गया था। कैसे याद होगा दोस्तों, तो देखिए मध्य यानी एम, प्रदेश यानी पी, तो मध्य प्रदेश MP कहते हैं। तो कहीं अगर आप गलत काम करेंगे दोस्तों, तो आपको कौन रोकेगा टोकेगा, तो एम से माता याद रखिएगा, पी से पिता याद रखिएगा, कि माता पिता आपको रोकेंगे टोकेंगे। इंतजार आपका बात करते हैं, तो इंतजार आपका, तो कहीं अगर आप चले जाएंगे दोस्तों, तो कौन आपका इंतजार करेगा, तो माता पिता आपका इंतजार करेंगे, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस राज्य में 31 अक्टूबर 2020 को सी प्लेन सेवा को शुरू किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा दोस्तों, तो ये गुजरात में किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, यह गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवाड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक इसका शुरू किया जाएगा दोस्तों। तो एक बार और सुन लीजिए कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवाड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक इसको शुरू किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात का मुख्यमंत्री है विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है, तो इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए किस तरह याद होगा। सी प्लेन, तो प्लेन क्या होती है दोस्तों, गुजर जाता है ना, सुईदन गुजर जाता है। किस तरह गुजर जाता है, सुईदन है। तो अब तो सी में समुद्र, तो समुद्र में तो ये सुई सुई गुजरेगा, गुजरेगा यानी गुजरा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुषोत्तम राव राय का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे, तो वो क्या थे दोस्तों, तो वह एक एथलेटिक कोच थे। ये भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इनको 2020 का दुराचार पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, और ये पुरस्कार पाने से पहले इनकी कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि FIDE फीड ऑनलाइन शतरंज ओपियाड के विजेता कौन बने, तो कौन बने दोस्तों, भारत रूस दोनों, तो दोनों संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित किया गया दोस्तों। आइए, पहली बार कोरोना वायरस के कारण पहली बार इसको शुरू किया गया था इस खेल को, इसमें भारत की तरफ से विश्वनाथन आनंद ने भी इसमें भाग लिया था, तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस खेल में कितने देशों ने भाग लिया था, तो इस खेल में 163 देशों ने भाग लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को हाल ही में निधन हो गया, तो वह क्या थे, तो वह क्या थे दोस्तों, तो वो भारत के राष्ट्रपति थे, 13वें नंबर के वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। इनको 2019 में दोस्तों, 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख के साथ साथ प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने इस प्रस्ताव को पारित किया गया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 6वीं अनुसूची में, तो 6वीं अनुसूची में 4 राज्य सम्मिलित है, ATM से याद रखिएगा कि ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे असम, असम याद रखिएगा दोस्तों, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय, 4 राज्य हो गए, और 5वां राज्य अरुणाचल प्रदेश अगर सम्मिलित हो जाएगा तो 5 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 को खुद से अलग कर दिया, तो ये भारत ने खुद से अलग कर दिया दोस्तों इस अभ्यास से। बात करते हैं दोस्तों कि ये कौकाज अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह रूस में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति है दोस्तों। और रूस की राजधानी की बात करते हैं तो रूस की राजधानी मास्को है, और इसकी मुद्रा रूबल है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, तो किस देश ने किया दोस्तों, तो ये भारत और सिंगापुर दोनों ने इसका आयोजन किया है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं पिछले वीडियो को उत्तर क्या था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर राज्य कौन रहा, तो तमिलनाडु रहा दोस्तों, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, और चौथे स्थान पर बिहार रहा। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों, तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोन का को किसने लिखा है दोस्तों, तो किसने लिखा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, और लाइक से करना न भूले। धन्यवाद दोस्तों।